तो आज का ये वीडियो जो है वो किसी कॉलेज स्टूडेंट के लिए नहीं है, बल्कि ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अब आगे जा कर के कॉलेज में जाएंगे या अपनी और फर्दर हायर स्टडीज स्कूल में ही जो है वो आगे जारी रखेंगे। तो अभी आज ही नोटिफिकेशन आ चुका है 12th और 10th के जो बाकी बचे हुए पेपर्स हैं उनके लिए। तो डेट शीट को रिशेड्यूल किया गया है एग्ज़ाम्स को लेकर के। तो आज मैं आपके सामने वही डेट शीट जो है वो लेकर के आया हूँ। डेट शीट आपको बताऊँगा, साथ ही इसमें और क्या क्या इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन के अंदर गाइडलाइंस दी गई हैं जो आपको फॉलो करना है, और उसके बाद आप एग्ज़ाम में अपेयर हो सकते हैं। तो गाइज, अभी आज जो है वो 10th का और 12th का दोनों का जो रिशेड्यूल्ड डेट शीट है वो आ चुका है, और वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। जो 10th का एग्ज़ाम है वो 1 जुलाई 2020 से होने वाला है। टाइमिंग जो है वो 10:30 बजे से 1:30 बजे तक जो है ये एग्ज़ाम चलेगा, ठीक है। अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए होगा, अलग अलग दिन होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4 यानी 4 डेज़ के अंदर ये कंप्लीट जो एग्ज़ाम है वो ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ पे 1 जुलाई, 2 जुलाई, 10 जुलाई एंड 15 जुलाई, इन सब टाइम पीरियड में ये सारा कोर्स ख़त्म हो जाएगा। तो जिन लोगों का सोशल साइंस है, साइंस है, हिंदी है और इंग्लिश है, उन्हीं लोगों का ये अभी समझ लीजिए कि डेट शीट आया हुआ है। ये डेट शीट तो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, और उस टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो अवेलेबल होगा मेरे डिस्क्रिप्शन में। लेकिन यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस आई हुई हैं वो आपको देखना बहुत ज़रूरी है। इन्होंने क्या कहा है कि हर एक बच्चे के पास अपना एक ट्रांसपेरेंट जो है सैनिटाइजर का बॉटल होना चाहिए, और जितने भी स्टूडेंट्स वहाँ पे आएंगे उन सभी को अपना नोज़, माउथ और इसी तरह से ये सारी चीज़ें कवर करके रखना होगा, चाहे वो कपड़े से कवर करें चाहे वो मास्क से करें। यानी आपको वहाँ पे भी जाके ये नहीं समझना है कि कोविड-19 का जो इफ़ेक्ट है वो ख़त्म हो चुका है अगर आप नॉर्मल लाइफ की तरफ जा रहे हैं या आपको लेके जाया जा रहा है, बल्कि अभी भी उसका जो असर है, जो उसका ख़तरा है वो बिल्कुल हमारे ऊपर मंडरा रहा है। तो हमें प्रिकॉशंस लेना है, तो आपको मास्क या कपड़े से अपने माउथ और नोज़ को कम्प्लीटली कवर करके रखना है। तो मास्क अच्छी क्वालिटी का हो तो ज़्यादा अच्छा है, आपकी और आपके जो क्लासमेट्स हैं सबकी सेफ्टी के लिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन सभी को फिजिकल डिस्टेंस नॉर्म्स को फॉलो करना होगा, यानी फिजिकल डिस्टेंसिंग जो है वो वहाँ पे भी चलेगी, सोशल डिस्टेंसिंग वहाँ पे भी चलेगी। इसके अलावा पेरेंट्स जो होंगे वो अपने बच्चे को गाइड करेंगे कि प्रिकॉशंस को कैसे लेना है एग्ज़ाम देने के दौरान में। इसके अलावा आप को ये भी बताया जा रहा है कि पेरेंट्स जो है वो इस चीज़ को भी इंश्योर करेंगे कि उनका जो बच्चा है वो बीमार नहीं है किसी भी तरह से, और अगर उसे कोई भी तकलीफ़ है, कोई परेशानी, कोई बीमार, कोई किसी तरह से वो बीमार है तो उसे एग्ज़ाम में इन्वॉल्व नहीं होने दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि अभी के टाइम पे ये नहीं पता कि किसको इफ़ेक्ट्स आए हुए हैं, किसको नहीं आए हुए हैं। जैसा कि आपने अभी तक देखा होगा 3 से 4 दिन में ये चीज़ें पता चलती हैं। इसके अलावा यहाँ पे ये भी बताया है कि जितने भी इंस्ट्रक्शंस जो है वो एग्ज़ाम में अपेयर होने के लिए इशू किए गए हैं वो स्ट्रिक्टली फॉलो किए जाएंगे, ठीक है, और स्टूडेंट्स को भी वो स्ट्रिक्टली फॉलो करने होंगे। इसके अलावा कैंडिडेट्स जो है वो अपने जो एडमिट कार्ड है उसको अच्छे से पढ़ लेंगे, इंस्ट्रक्शंस वहाँ पे भी दिए हुए हैं। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि जो हर एग्ज़ाम का ड्यूरेशन होगा, ठीक है, वो डेट शीट और एडमिट कार्ड पे मेंशन होगा। आंसर बुक्स जो है वो कैंडिडेट्स को डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी 10:00 बजे से 10:15 बजे तक, यानी 15 मिनट के दौरान जो है 15 मिनट के ड्यूरेशन में आंसर बुकलेट्स आपको डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी। क्वेश्चन पेपर 10:15 बजे आपको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, और 10:15 से 10:30 बजे तक 15 मिनट जो है आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने का चांस मिलेगा। उसके बाद 10:30 से आपका एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा, और उसके बाद वो चलेगा आपका 1:30 बजे तक। तो इस तरह से ये इंस्ट्रक्शंस से इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस से। तो ये बात रही आपके 10th एग्ज़ाम की। अगर हम बात करें बोर्ड एग्ज़ाम 12th की, तो उसमें आपका काफ़ी लेंदी चलने वाला है।
जैसे यहाँ पे 1 जुलाई 2020 को स्टार्ट होने वाला है और ये ख़त्म होगा, ये ख़त्म होगा 15th को, ये भी ख़त्म होगा, जैसे कि ये देख रहे हैं ये उसी का पार्ट है, ठीक है। तो 12th का ही ये एग्ज़ाम का पार्ट है। यहाँ पे जो है लास्ट पेपर मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, बायोलॉजी, है ना। तो ये इस तरह से आपको ये डेट शीट मिल गई है। तो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स आपके एग्ज़ाम के लिए। अच्छे से कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखिए, हेल्थ एंड हाइजीन को मेंटेन रखिए, मास्क पहनना मत भूलिएगा और अपना एक सैनिटाइजर का बॉटल ले जाना मत भूलिएगा। मेक श्योर कि आप अपना ही बॉटल रखें तो ज़्यादा अच्छा है। ये मत सोचिएगा कि मैं नहीं लेके जाऊंगा तो फ्रेंड्स के साथ मैं शेयर कर लूँगा, उनका बॉटल मैं शेयर कर लूँगा। ये आपकी हेल्थ से रिलेटेड जो है गाइडलाइंस हैं, तो ये आपके फ़ायदे के लिए हैं, तो इसे आप बिल्कुल फॉलो कीजिए और इसे नेगलेक्ट नहीं करना है। तो आई होप कि आपकी प्रिपरेशंस भी हो गई हैं। ऑल द बेस्ट। इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।